सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिट लेवल एक में सिलेक्शन को लेकर बीटीसी के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने राजस्थान न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही पात्र हैं। अब इसे लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने लखनऊ में आंदोलन शुरू कर दिया है। आज बीएड अभ्यर्थी अध्यादेश लाने के लिए एसआईटी लखनऊ, निषादगंज और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन यहाँ कर रही हैं। आपको बता दें कि अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड अभ्यर्थी लेवल वन में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के यूपी, बिहार और राजस्थान समेत पूरे राज्य के अभ्यर्थियों पर असर पड़ा। अब इसे लेकर बीएड अभ्यर्थी आंदोलन कर रही हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख के करीब बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी भर्ती की उम्मीद लगा रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रहने के फैसले को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पलटा था। ठीक उसी तरह से बीएड मुद्दे पर भी अध्यादेश लाएं सरकार, और साथ ही अभ्यर्थियों ने इस संबंध में जल्द उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की भी बात कही। और अधिक जानकारी के साथ अंकित जुड़ गए हैं सहयोगी लखनऊ से। अंकित, ये बीएड के जो भी अभ्यर्थी हैं आखिर क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं? 2 साल की डिग्री देखा जाए तो वही बीएड की है, वही बीटीसी की है। बीटीसी वाले प्राइमरी में कर सकते हैं, प्राइमरी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीएड के पास 2 ऑप्शन और हैं, चाहे वो जूनियर और हायर दोनों ही कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर बचा हुआ है प्राइमरी। अगर प्राइमरी में भी वो एंटर कर जाते हैं, उन्हें मान्यता दे दी जाती है, तो फिर बीटीसी वाले कहाँ जाएंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा, ये जो आज एससीईआरटी में जो धरना दे रहे हैं बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनका ये कहना है कि वो अध्यादेश के खिलाफ धरना दे रहे हैं कि अध्यादेश को कैंसिल किया जाए, जिससे वो बीएड के अभ्यर्थी भी जो बीटीसी वाले जहाँ पे अप्लाई करते हैं तीसरे ग्रेड में, वो प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकें, इसलिए ये धरना दे रहे हैं। और करीब करीब 40 लाख जो है अभ्यर्थी वो यूपी, बिहार, राजस्थान जैसी जगहों पर इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। दीपक, बिल्कुल विरोध ठीक है कि अगर बीटीसी वालों को अगर चयनित करने के लिए कि प्राइमरी, हाँ ठीक है, उन्हें उनका हक दे दिया गया, या बीएड वालों को नहीं शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया अपने फैसले में, तो ये तो सरकार या गवर्नमेंट को करना चाहिए ना कि सीटें बढ़ाए। जी बिल्कुल, लेकिन देखा जा रहा है कि एकदम ये जो जो रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, उस वजह से ये धरना प्रदर्शन ज्यादा तेजी ले रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, इनकी पहले से भी लड़ाई चल रही है कि इनको ग्रेड 3 की भर्ती में पहले से भी लिया जाए, इसलिए ये जो है इन्होंने एससीईआरटी का जो भवन था आज पूरा लखनऊ में भी घेर रखा था, और इन्होंने उप मुख्यमंत्री से मिलने की भी मांग करी थी ताकि इनका जो अध्यादेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके खिलाफ ये रिट दायर कर सके और उस अध्यादेश को पलट सके। इनकी मांग थी कि दिल्ली में जैसे अध्यादेश को कैंसिल किया गया, वैसे इस अध्यादेश को कैंसिल किया जाए। नहीं, ये तो अध्यादेश, हालांकि उनकी मांग है वो अलग चीज है, लेकिन इसके आसार कितने हैं? क्योंकि इस प्रकार के किसी फैसले के सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश सरकार शायद अब तक ना लेके आई, और शायद ना लेके आएगी, क्योंकि कोई बहुत बड़े मामले होते हैं जब देश स्तर के, तब इस प्रकार के अध्यादेश लाए जाते हैं। क्या लग रहा है, संभावना है कि इनकी ये मांग पूरी हो सकती है, या फिर इन्हें संतुष्ट होना ही पड़ेगा इस फैसले के साथ? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है सबसे बड़ा काउंसिल है इंडिया का, और वहाँ के जो फैसले होते हैं उस अध्यादेश को कैंसिल करना एक नामुमकिन चीज़ है। लेकिन अब जब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं तो आगे देखना होगा कि इनके आंदोलन की कितनी मांग है। हालांकि इनके आंदोलन का जो अभी तक असर दिख रहा है वो जीरो दिख रहा है, क्योंकि ना इनसे मुख्यमंत्री मिले हैं, ना ही कोई बड़ा अधिकारी मिल रहा है, मुखातिब हुआ है। लेकिन अब ये मांग करने हैं और अध्यादेश कैंसिल करने की मांग करते हैं, तो आगे जो सरकारें हैं वो देखते हैं कोई रेट तैयार कर पाते हैं नहीं कर पाती हैं, या फिर मेरे हिसाब से तो ये जीरो है, इनके धरना करने का कोई भी मोटिव नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकित, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये कह रहे हैं कि बीटीसी में भी इनको इंक्लूड किया जाए, तो अगर बीटी जो प्राइमरी में भी इनको इंक्लूड कर दे, तो फिर बीटीसी वाले कहाँ जाएंगे? बराबर फीस देते हैं, बराबर कोर्स करते हैं, और दोनों का दो साल का कोर्स है, एक कहाँ डिप्लोमा कह सकते हैं कि डिप्लोमा और डिग्री में ठीक है, लेकिन वर्ष तो उतना ही लग रहे हैं। फिर अगर इन्हें उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा तो बीटीसी वाले कहाँ जाएंगे?
जी बिल्कुल, बार बार ये तंज कसते हैं कि बीटीसी जो है वो सिर्फ एक डिप्लोमा है और बीएड जो अभ्यर्थी है वो पूरा 2 साल का कोर्स करके निकलता है, और ये इसी तंज के आधार पर चाहते हैं कि इनको प्राइमरी की जो भर्ती आती है उनमें भी लिया जाए। लेकिन ये इनको बीटीसी का ख्याल नहीं है कि जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो बेचारे इनके समक्ष नहीं खड़े हो सकते, इनकी भर्तियों में वो नहीं अपना आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये बीटीसी की जो नौकरियां हैं जिनका आवेदन है उसमें ये आवेदन कर सके, इसीलिए आंदोलन चला रहे हैं। अंकित, एक आखिरी सवाल है कि थोड़ा बताइएगा अगर आपके संज्ञान में हो कि प्राइमरी की भर्तियां कहीं ऐसा तो नहीं अध्यापक की ज्यादा निकलती हैं और बाकी हायर और जूनियर की थोड़ी कम निकलती हैं, इस वजह से इनकी लालसा कहीं ना कहीं प्राइमरी तक सीमित है? जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्राइमरी की भर्तियां जो बेसिक के अंडर में आती हैं, बेसिक शिक्षा में, वो ज्यादातर निकलती हैं, इसीलिए बीएड के जो जो अभ्यर्थी हैं वो बार बार ये डिमांड करते हैं कि थर्ड ग्रेड में इनको प्राइमरी में वरीयता दी जाए। चलिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अंकित शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ अंकित, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाए, लेकिन अब ये हालांकि सरकार के हाथ में है कि इतना बड़ा ये मुद्दा है कि इसे पलटा जा सके कि अध्यादेश के माध्यम से, और फिर कहीं ना कहीं अध्यादेश ला के अगर इसे पलटा भी जाता है तो फिर से बीटीसी वाले कुछ ना कुछ एक्शन लेने की बात करेंगे, वो भी उखड़ जाएंगे जो अभी संतुष्ट हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद।